ओके, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्टार्ट किया था. इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर हमने ओरिजिन ऑफ चार्जेस डिस्कस किया, कैसे चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, ये हमने डिस्कस किया. एंड फाइनली हमने कूलम लॉ डिस्कस किया कि कूलम लॉ कैसे दो चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r से कैसे फोर्स निकाल के देगा और फोर्स की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे लगाना है. तीन तीन चार्जेस गिवन है, अगर एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालनी है तो कैसे वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. तो ये जो वैक्यूम की बात करते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 Q1 Q2 r2. तो वैक्यूम के अंदर फोर्स निकाली, ये सारा हमने पार्ट लास्ट टाइम कर लिया था, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कर लिया था, डायमेंशन फॉर्मूला कर लिया. तो आज हम करेंगे कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म. कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म के अंदर सबसे पहले कूलम लॉ हमें क्या दे रहा है, वैल्यू ऑफ फोर्स दे रहा है, ये दो चार्जेस में कितनी फोर्स है कूलम लॉ हमें दे रहा है. वो फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें उसकी वैल्यू के साथ डायरेक्शन मेंशन करना ज़रूरी है. तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी फोर्स को इन वेक्टर फॉर्म, ये टॉपिक आपको बताएगा. प्लस ये भी बताएगा कि अगर दो चार्जेस हैं वो दो चार्जेस कहाँ पर पड़े हुए हैं. हमने अभी तक कूलम लॉ में ये देखा कि Q1 Q2 दो चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r, लेकिन एक्चुअल में Q1 Q2 की पोजीशन क्या है वो हमने डिस्कस नहीं किया. तो कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में हम आज अभी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपको ये गिवन होगा कि लेट अस सपोज देयर आर टू चार्जेस. ठीक, तो अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, जैसे सपोज ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, राइट. आप कहोगे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस की ज़रूरत क्या है, दो चार्जेस ही तो हैं और दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन आ रहा है, मुझे एक्स और वाई एक्सिस चाहिए कहाँ. देखो अब क्या होगा इस टाइप की प्रॉब्लम में कि अगर आपको दो चार्जेस गिवन है, फॉर एग्जांपल पहला चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2, तो Q1 Q2 दो चार्जेस हैं एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट r. ठीक है, तो कूलम लॉ फोर्स पूछूंगा तो आई जाएगी फोर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल आपको इसकी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू गिवन होगी, मतलब आपको Q1 का पोजीशन वेक्टर गिवन होगा और Q1 का पोजीशन वेक्टर इज सपोज R1 वेक्टर, जैसे हम प्लस वन में किया करते थे, दिस इज R1 वेक्टर. उसी तरीके से पोजीशन वेक्टर की वैल्यू Q2 की भी गिवन होगी, लेट अस सपोज दिस इज R2 वेक्टर. आपको कहोगे पोजीशन वेक्टर की जरूरत क्या है, हमें सब कुछ आता तो था, Q1 पता है, Q2 पता है, R पता है, आंसर. अब प्रॉब्लम ये है कि आपको जब कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म के अंदर पूछा जाएगा, आपको Q1 एंड Q2 के कोऑर्डिनेट्स देगा कि Q1 का ये कोऑर्डिनेट है, Q2 का ये कोऑर्डिनेट है, आपको उसके बीच में डिस्टेंस नहीं देगा. Q1 Q2 के कोऑर्डिनेट्स देने का मतलब Q1 एंड Q2 का पोजीशन वेक्टर देना. हम पोजीशन वेक्टर तो निकाल ही सकते हैं, जैसे Q1 का कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4 लेट अस सपोज, तो इसका पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे, R1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k. तो ये पोजीशन वेक्टर है, तो कोऑर्डिनेट्स देगा Q1 Q2 के या पोजीशन वेक्टर देगा और आपसे फोर्स की वैल्यू पूछेगा. अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया, हमें आज तक क्या पूछा जाता है, Q1 Q2 और R देके फोर्स पूछी जाती है, इसमें Q1 Q2 के पोजीशन वेक्टर देके फोर्स पूछेगा. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कूलम लॉ को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखना है. क्लियर है तो ऑनलाइन वालों को, क्लियर है आज हम क्या करने जा रहे हैं. यस सर. ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करें तो मैं एक मिनट इसे मिटाता हूं. तो लेट अस सपोज इन वैल्यूज को दो मिनट भूल जाते हैं एंड मेरे पास दो चार्जेस हैं,
जैसे मैंने बताया Q1 एंड Q2, ठीक है, एंड ये इसका पोजीशन वेक्टर है। मैं फिर से बनाता हूँ, एक मिनट। तो लेट अस सपोज एक्स एंड वाई एक्सिस, ये आपके पास दो चार्जेस होंगे, एक चार्ज ये रहा, दूसरा ये रहा, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज आर, राइट। तो दिस इज आर वन वेक्टर, दिस इज आर टू वेक्टर, आर टू वेक्टर, एंड इनके बीच में डिस्टेंस इज आर, दिस इज क्यू वन एंड दिस इज क्यू टू। अब मुझे एक चीज बताओ, Q1 Q2 अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो Q1 ने Q2 को क्या किया? रिपेल किया। Q2 ने Q1 को क्या किया? रिपेल किया। तो Q1 ने Q2 को रिपेल किया विद अ फोर्स ऑफ F21 वेक्टर, एंड Q2 ने Q1 को रिपेल किया बाय अ फोर्स ऑफ F12 वेक्टर। आप ये कहेंगे कि ये नेमिंग कैसे कर रहे हैं 1221? ये नेमिंग का कोई रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये रूल 1221 ऐसा ही होना चाहिए, अपने मन की बात है। आप अगर यहां पर F1 वेक्टर F2 वेक्टर लिखेंगे तब भी क्या प्रॉब्लम है, नाम ही तो है फोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने मन को ऐसे समझाया कि F21 वेक्टर का मतलब टू चार्ज पे फोर्स लगी, किसने लगाई? वन ने लगाई। मतलब अगर मैं पहले टू नंबर लिख रहा हूं और फिर वन लिख रहा हूं, तो मैं अपने मन को ऐसे बोल रहा हूं या आपको ऐसे समझा रहा हूं या मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूं कि टू फोर्स, टू चार्ज पे फोर्स लगी, किसने लगाई? वन ने लगाई। और सिमिलरली वन चार्ज पे फोर्स लगी, किसने लगाई? टू ने लगाई, Q2 ने लगाई। तो Q1 पे फोर्स लगी, Q2 ने लगाई, Q2 पे फोर्स लगी, Q1 ने लगाई। ये मेरी बनाई हुई डेफिनेशन है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि 1221 इसी सीक्वेंस में होगा, पर क्योंकि मैं थ्योरी बना रहा हूं तो वेक्टर को डिफाइन मैं ही करूंगा कि एग्जैक्टली वेक्टर को मैं क्या बता रहा हूं, कि अगर F21 वेक्टर है तो उसका मतलब क्या समझता हूं। तो पॉइंट नंबर वन क्लियर है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि F12 वेक्टर, F(12) वेक्टर या F(21) वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड निकालने में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वैल्यू ही तो पूछ रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। मेरे को पोजीशन वेक्टर चाहिए ही नहीं है उस केस में। अगर मैं आपसे क्या पूछता हूँ, F12 वेक्टर एंड F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछता हूँ, तो उस केस में मेरे को कोई R1 वेक्टर R2 वेक्टर नहीं चाहिए, मैं सिंपली अपना आंसर ऐसे लिखूंगा, कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन अगर कोई मुझे ये बोलता है कि मैं F12 वेक्टर की वैल्यू लिखूं, वेक्टर की वैल्यू लिखूं, तो अब मुझे इसकी वैल्यू के साथ क्या लगाना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर। मतलब वेक्टर फॉर्म का मतलब है वैल्यू एंड डायरेक्शन। तो वैल्यू तो मुझे पता ही है, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा वो तो आप लिख ही लोगे, साथ में एंड में क्या लगानी पड़ेगी, इसकी डायरेक्शन। और फिजिक्स में किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं पीछे, यूनिट वेक्टर। अब जैसे आई कैप, जैसे जे कैप, के कैप, आई कैप का मतलब डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब डायरेक्शन इज अलोंग वाई एक्सिस, और ऐसे के कैप का मतलब जेड एक्सिस। पर मैं ये देख रहा हूं कि F12 वेक्टर की डायरेक्शन ना तो एक्स है, ना तो वाई है, ना तो जेड है, तो क्या है, एक्स वाई जेड तो नहीं कम से कम, तो पीछे यूनिट वेक्टर क्या लगाऊं? तो यूनिट वेक्टर आप अपने मन से खुद इमेजिन कर लें। जैसे सपोज करो मैं यहां का एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करता हूं R(12) कैप, ठीक है, मैंने कैप लगा दिया। आप कहोगे सर ये नाम कैसे, मेरी मर्जी, आप एक्स कैप लिख लो, वाई कैप लिख लो, जो आपकी इच्छा आप लिख लो, डिफाइन आप ही ने करना है सिस्टम। तो ये पूरा सिस्टम मैं ही डिफाइन कर रहा हूं, तो मैंने ऐसा लिख दिया कि F12 वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लेट अस सपोज एक यूनिट वेक्टर है R(12) कैप। अब R(12) कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है, कैप, कैप का मतलब मैग्नीट्यूड इज वन, पर ये आपको डायरेक्शन बताएगा। तो इसको यूज कैसे करना है ये मैं आपको अब समझाता हूं कि इसकी एप्लीकेशन करनी कैसे है। वापस चलते हैं अपनी शीट पे। तो अगर आप जरा ध्यान से इस डायग्राम को देखें, राइट, इस डायग्राम को आप देखें, ये रहा डायग्राम,
तो इस डायग्राम में आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इज R, ठीक। Q2 ने Q1 को रिपेल किया F12 वेक्टर, 12 वेक्टर का मतलब 1 के ऊपर फोर्स लगी, किसने लगाई, 2 ने लगाई, और 21 वेक्टर का मतलब कि 2 के ऊपर फोर्स लगी, 1 ने लगाई, यूनिट वेक्टर। इस तरफ से B से लेके अगर A तक जाते हैं और इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक यूनिट वेक्टर को मैं डिफाइन करता हूं कैसे, आर ऑफ 12 कैप, 12 कैप का मतलब कि इस तरफ, मींस B से लेके A तक, यानी कि इट इज गिविंग डायरेक्शन ऑफ F12 वेक्टर। सिमिलरली मैं इस तरफ की डायरेक्शन Q1 से Q2 की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हूं बाई R21 कैप। आपको क्या मैं उल्टा कर दूं नंबरिंग में, आपकी मर्जी है, डिफाइन सिस्टम आपने करना है, आप करो डिफाइन, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने ऐसा कर दिया। मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मेरे को याद करने में आसानी रहती है कि अगर F12 है तो यहाँ पर 12 ले लेते हैं, मतलब इस तरफ जाने वाली चीज़ है 12, इस तरफ आने वाली चीज़ें अगर 21 है तो यहाँ पर 21, सिमिट्री सी रहती है ताकि कन्फ्यूजन कम हो। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर। तो अब इस केस में अगर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, तो आप चेक कर सकते हैं F1 वेक्टर या F21 या F12 का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 r2। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब ये मैग्नीट्यूड ओनली है, अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो F12 वेक्टर की वैल्यू के पीछे का डायरेक्शन है, तो मैंने क्या सिखाया, यूनिट वेक्टर लगेगा, यूनिट वेक्टर क्या लगेगा, F12 के पीछे क्या लगेगा, R12 लगेगा, अभी मैंने डिफाइन किया था सिस्टम। और सिमिलरली F21 वेक्टर के पीछे क्या लगेगा, R21 लगेगा। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, तो मैंने सिस्टम ही ऐसे डिफाइन किया ताकि मेरे को डायग्राम देखना ही ना पड़े। अगर मेरे से कोई ये पूछे कि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखें, तो मैंने याद ही कर लिया कि अगर ये 12 है तो ये 12 है, ये 21 है तो ये 21 है, आसान हो गया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके मेरे पास ये टर्म आ गई, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो मैग्नीट्यूड तो कट गया, आपके पास सिर्फ यूनिट वेक्टर्स बच गए। अब यूनिट वेक्टर्स में सबको पता है R12 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 कैप, तो दोनों में सिर्फ डायरेक्शन का ही फर्क है, तो साइन नेगेटिव आएगा। तो इसमें अगर आप इसे सॉल्व करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ माइनस वन आएगा, क्योंकि इनमें सिर्फ माइनस का फर्क है, तो माइनस वन आने पे F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। तो ये कई बार बोर्ड के अंदर प्रूफ आया करता था कि प्रूव करो कि जो कूलम्स लॉ है वो दो चार्जेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाता है, तो ये इसका प्रूफ है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाता है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये तो चलो एक प्रूफ है, न्यूमेरिकल कैसा आएगा, तो न्यूमेरिकल के लिए आपको एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। कैसे, जैसे ये वेक्टर फॉर्म है, इस वेक्टर फॉर्म में F12 वेक्टर इसके इक्वल है, दैट इज 1/4π, देखो अगर ये 12 है तो 12 मैंने याद करवाई दिया आपको। अब आप एक चीज़ जरा ध्यान से देखना, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये आपका R1 वेक्टर है, ये आपका R2 वेक्टर है, और अगर मैं एक वेक्टर इस तरफ ड्रॉ करूं जिसका नाम मैंने रख दिया R12 वेक्टर, क्योंकि R12 कैप इस तरफ था, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये R12 वेक्टर है। वेक्टर का मतलब है कि पूरा का पूरा वेक्टर है ये ट्रायंगल का। ये क्यों बना रहा हूँ दो मिनट बाद में समझाता हूँ, पर अगर मैं सिर्फ ये बताऊँ कि मेरे पास ये तीन वेक्टर्स हैं, ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर और ये R12 वेक्टर, इन तीन इन साइड्स में ये एक वेक्टर है और ये इसे कंटिन्यू कर रहा है और ये इसकी क्लोजिंग साइड है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि क्लोजिंग साइड हमेशा रिजल्टेंट है। तो यानी कि R1 वेक्टर रिजल्टेंट है किसका, R2 वेक्टर का और R ऑफ 12 वेक्टर का। तो R1 वेक्टर रिजल्टेंट है R2 वेक्टर का, R ऑफ 12 वेक्टर का, इट मींस R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस R ऑफ 12 वेक्टर। तो ये स्टेप क्लियर है। और यहां से R12 वेक्टर क्या आएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो ये स्टेप भी क्लियर है। तो यहां से R ऑफ 12 वेक्टर इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये याद रखेंगे, क्लियर है आपको सब समझाने के लिए। मैं वापस अपने रिजल्ट पे चलता हूं, तो मेरा जो रिजल्ट है, मेरा रिजल्ट ऐसा है कुछ, ये रहा, ठीक है।
ये मैंने एफ ऑफ वन टू वेक्टर लिखा था यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। अगर आपको याद हो कि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी, जैसे ए कैप यूनिट वेक्टर है, इट इज़ डिफाइंड एज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे ही था। तो बी वेक्टर, बी कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी, तो ऐसा लिखा जा सकता है। सिमिलरली आर ऑफ वन टू कैप को क्या लिखा जा सकता है, आर ऑफ वन टू कैप को लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो मैंने एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये स्टेप भी क्लियर है। नेक्स्ट, अब आर ऑफ वन टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट सेल्फ आर, क्योंकि आर ऑफ वन टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मैंने आपको बता ही दिया था शुरू में आर है। तो चाहे आप आर ऑफ वन टू वेक्टर लिखो या आर लिखो, बात एक ही है। ये स्टेप भी क्लियर है यहां तक? तो आप चेक कर सकते हो इसके अंदर, इसकी जगह अगर मैं आर लिख लूं, एक ही बात है, तो आर और आर स्क्वायर आपको क्या देगा, आर का क्यूब। तो ये स्टेप भी क्लियर है। तो डिनोमिनेटर में आर क्यूब आ गया, आर वन टू वेक्टर जैसा है वैसे का वैसा ही कर दिया। तो ये स्टेप क्लियर है सबको? ठीक, पॉइंट्स को समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है। तो इसमें वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड किया, इसका मतलब तो आर ही होता है, आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब है, और ये आर वन टू वेक्टर है। ठीक, मैंने आपको अभी वहां पर बताया आर वन टू वेक्टर क्या होता है, आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर। तो दिस इज आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर और डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसमें आर क्यूब नहीं लिखना चाहते, कोई बात नहीं, आप इसकी जगह लिख लो आर वन टू वेक्टर का मॉड का क्यूब, वन एंड द सेम थिंग। आप अगर इसमें आर क्यूब नहीं लिखना चाहते, आर ऑफ वन टू वेक्टर का मॉड लिखेंगे, एक ही बात है, क्योंकि आर आर लिखना या आर ऑफ वन टू वेक्टर का मॉड लिखना इज वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है? तो यहां पर ये देखो, यहां पर एग्जैक्टली यही किया जो मैं समझा रहा हूं आपको। ये तो मैंने लिख ही दिया एज इट इज, जो आर क्यूब है अपने मन में सोचो, आर क्यूब को लिख लेते हैं आर वन टू वेक्टर का मॉड का क्यूब। आर वन टू वेक्टर का मतलब क्या है, आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर, अभी बताया मैंने, लेकिन यहां पर क्या लगेगा, मॉड का क्यूब। तो इसकी जगह आर वन टू वेक्टर की जगह आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर का मॉड का क्यूब। तो आई होप ये स्टेप भी क्लियर है। तो ये इसका पोजिशन वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है कूलम लॉ का। तो ये आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, अगर जब न्यूमेरिकल आएगा तो इतनी लंबी थ्योरी तो क्या ही बनाओगे कि आर वन टू क्या, आर टू वन क्या, कुछ नहीं बनेगा। मैंने एक फॉर्मूला याद किया हुआ है सिंपल, आप मुझे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कूलम लॉ दो, मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा एफ वन टू वेक्टर इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, तो आएगा ही आएगा वन टू, पहले वन फिर टू, डिनोमिनेटर में आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर वन टू, यहां पर भी वन टू, और ऐसे अगर मैं लिखूंगा एफ टू वन, तो यहां पर टू वन, यहां पर टू वन। तो याद करने का आसान तरीका है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, ये आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर है और ये मॉड का क्यूब है। तो ये दो फॉर्मूला सबको क्लियर है? तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये फॉर्मूलाज? यस सर। ठीक है सर, एक बार वो स्टेप बता दो, वो मॉड का क्यूब वाला। मॉड का क्यूब वाला देखो, मैंने ये कहा कि सपोज करो आप आर ऑफ वन टू वेक्टर का मॉड लेते हो या आर लेते हो, एक ही बात है। क्या ये स्टेप क्लियर है? यस सर। तो अगर ये क्यूब लेते हो, क्यूब लेते हो, एक ही बात है? यस सर। बस हो गया, फिर खत्म। इसकी जगह आर ऑफ वन टू के मॉड का क्यूब कर लिया, और आर वन टू वेक्टर क्या होता है, आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर का मॉड का क्यूब। क्लियर है? यस सर। ठीक, तो अब क्वेश्चन आएगा कैसे, देखो इस पे कोई थ्योरी नहीं आने वाली, इस पे सीधा क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, एक दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको एनसीईआरटी के अंदर, क्योंकि आज का लेक्चर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही है, आज की असाइनमेंट भी एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आज ए चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो जाएगा, एनसीईआरटी बहुत बहुत छोटा सा ही है, कूलम लॉ की एप्लीकेशन है, फिर उसके बाद इसके लेवल्स इंक्रीज होने स्टार्ट होंगे जो नेक्स्ट लेक्चर से होंगे। तो इसमें क्वेश्चन है कि क्यू वन क्यू टू आपको उसने दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया आपको पोजीशन ऑफ क्यू वन दे दिया, पोजीशन ऑफ क्यू वन क्या है, टू कॉमा थ्री कॉमा फोर, और पोजीशन ऑफ क्यू टू क्या है, वन कॉमा टू कॉमा थ्री। आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ वन टू वेक्टर। तो
कोऑर्डिनेट्स को देख के आप पोजीशन मेंशन कर सकते हो। तो इसको देख के आर वन वैक्टर क्या होगा, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, आर वन वैक्टर। आर टू वैक्टर क्या होगा, आई कैप टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, आर वन वैक्टर आर टू वैक्टर। क्लियर है? तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको एफ ऑफ वन टू वैक्टर निकालना है। वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नाइन इंटू टेन की पावर नाइन, क्यू वन क्यू टू आपको पता है, आर वन वैक्टर आपको पता है, आर टू वैक्टर आपको पता है, डिनोमिनेटर में आर वन पता है और आर टू पता है, इसका मॉड का क्यूब। तो वैल्यूज पुट कर लिया आप लोगों ने। जब आपने वैल्यूज पुट की तो आई वाली टर्म आई से सब्ट्रैक्ट, जे जे के सॉल्व करके ये टर्म आ जाएगी। नीचे मॉड चल रहा है, यहाँ पर मॉड नहीं चल रहा, तो न्यूमिनेटर में तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ही आएगा, डिनोमिनेटर में मॉड। अब मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तो इसका वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर और के कोफिशियंट का स्क्वायर। तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर का होल अंडर रूट का क्यूब। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये रूट थ्री का क्यूब आएगा, ये ऐसे रहेगा, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो कैसे न्यूमेरिकल करना है, ये थ्योरी सिर्फ समझाने के लिए थी कि रिजल्ट कैसे आया, लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा आप सीधा रिजल्ट अप्लाई करें, एफ वन टू वैक्टर या एफ टू वन वैक्टर, आपका आंसर आएगा। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें, आप प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, एफ ऑफ टू वन वैक्टर निकालें। ठीक, एक बार ट्राई करें, एफ ऑफ टू वन वैक्टर निकालें। इसके अंदर आपने ये देखा होगा, इसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, तो आप फॉर्मूला लगा लो। इसमें आपको क्या करना है, इसमें एफ ऑफ टू वन वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू वन इनटू क्यू टू, क्योंकि ये टू वन है तो यहाँ पर आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर का मॉड का क्यूब इनटू आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर। बस ये मॉड नहीं है, प्लीज़, ये ऐसे ब्रैकेट है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आर वन वैक्टर तो आप निकाल ही लोगे, यहाँ से लिख लेना आर वन वैक्टर विल बी इक्वल टू आई कैप टू जे कैप थ्री के कैप, ऐसे ही आर टू वैक्टर भी यहाँ से लिख लोगे फोर आई कैप थ्री जे कैप प्लस के कैप। तो आर वन वैक्टर आर टू वैक्टर आपने लिख लिया इसमें। तो अब आपने क्या करना है, इसमें अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो दिस इज 9 इंटू टेन इज टू पावर 9 इंटू क्यू वन क्यू टू इज 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई आर वन वैक्टर की जगह वो पूरे का पूरा ही पुट करना है, आई कैप टू जे कैप
और प्लस थ्री के कैप, ऐसे उल्टा आएगा। ओ आर टू वैक्टर, ओके 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 ओके, आर टू वैक्टर और आर वन वैक्टर है, ओके तो उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो पहले आप इसमें आर टू वैक्टर लिखना, फिर आप इसमें आर वन वैक्टर लिख दो, कोई बात नहीं। तो आर टू वैक्टर ले लो, तो आर टू वैक्टर विल बी इक्वल टू फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस आई कैप, ऐसे माइनस मॉड लगेगा यहाँ पे, माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप का मॉड का क्यूब, और ऐसे ही न्यूमिनेटर में भी फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप माइनस माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, कोई मॉड नहीं है इसको, आई कैप जे कैप के कैप के अंदर ही छोड़ना है, आई को आई की टर्म से माइनस, जे को जे, के को के के साथ। हाँ डिनोमिनेटर में माइनस करके आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर और के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट भी लेना है, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। मेथड क्लियर है, रेयर क्वेश्चन है, मतलब आप लगाओ कूलम लॉ का बहुत रेयर, एक या दो क्वेश्चन ही ऐसे मिलेंगे आपको, बट हम एक या दो वैरायटी भी क्यों छोड़ेंगे, तो हमें सारा मेथड आना ही चाहिए। तो ये उन एक वैरायटी है जिससे कि कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखवाना वो पूछ सकता है। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट टाइम हमने जितना भी काम किया कि अगर तीन चार्जेस हैं, थ्री कूलम पे नेट फोर्स निकालो, टू पे निकालो, माइनस थ्री पे निकालो, हम कर रहे थे लास्ट टाइम,